यकीन मानिए जंगल किसी भी चीज को निगल सकता है और इसके सबूत मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कमाल की चीजें जंगल में छिपी हुई मिली। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना शुरुआत में ही बहुत जरूरी है। खैर आप अपना ये काम कर दें। एक पुरानी कीमती गाड़ी को लोग संभाल कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन उसे जंगल के बीच में खड़ी करने का क्या मतलब है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कमाल की एस्टन मार्टिन DB4 के साथ, जो सन 2016 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स के जंगलों में पाई गई। सन 1962 मॉडल की ये गाड़ी ना जाने किन कारणों की वजह से इस जंगल तक पहुंची। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस गाड़ी को यहां खड़े तकरीबन 50 साल बीत चुके हैं। अगर ये बात सच है कि इसे यहां खड़े 50 साल बीत चुके हैं, तो यकीन मानिए इसकी हालत बद से बदतर होनी चाहिए। लेकिन चमत्कारिक रूप से बाहरी हालातों को छोड़कर अंदर से ये गाड़ी एकदम सही हालातों में मौजूद है, और अगर इसे सही से रिपेयर किया जाए तो ये एक नई DB4 बनकर सामने आएगी। जांचकर्ताओं ने बताया कि आज भी इस गाड़ी की कीमत तकरीबन $5,00,000 की है, क्योंकि इस तरह की DB4 मॉडल की गाड़ियां सिर्फ 1200 ही बनाई गई थी। आज गिनी चुनी 2-3 गाड़ियां ही ऐसी मौजूद हैं, इसलिए इसकी कीमत भी इतनी मोटी है। अब जरा इस पेड़ को देखिए। इस पेड़ में ये कोई कीले नहीं है, बल्कि इसके अंदर तांबे और चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। और ये पेड़ आपको इंग्लैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिक्के यहाँ आए कैसे। तो इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों सालों पहले इंग्लैंड में ये माना जाता था कि पेड़ों में अच्छी और बुरी शक्तियाँ निवास करती हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। साथ ही अपनी तरफ से लोग आसपास के पेड़ों में हथौड़े के साथ एक सिक्का ऐसे गाड़कर जाते थे। उनका मानना था कि जो भी यहाँ सिक्का गाड़ेगा तो शक्तियां उस पर अच्छा प्रभाव करेंगी। आज इस मान्यता को खत्म हुए भी कई शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी लोग इस नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं, वो इस तरह से यहां पेड़ों में सिक्के गाड़ कर आना नहीं भूलते। जरा इस पेड़ को देखिए, पिछले 300 सालों से सिक्के गाड़ गाड़ कर लोगों ने इस पेड़ को पूरा भर दिया है। इनमें से कुछ सिक्के तो आपको 17वीं शताब्दी के मिलेंगे, इसके अलावा इनमें से एक सिक्का तो 14वीं शताब्दी का भी है। पूरे देश में ऐसे बहुत से पेड़ भरे हुए हैं जिनका हाल यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्के चोरी क्यों नहीं हो जाते। तो इसके पीछे लोग मानते हैं कि अगर एक बार गाड़ा हुआ सिक्का बाहर निकाला जाए तो निकालने वाला बंदा बहुत बुरी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, इसलिए लोग डर के मारे ये काम नहीं करते। जरा सोच कर देखिए एक जंगल में आपको क्या मिल सकता है। बेशक आपके दिमाग में कुछ भी आया हो, लेकिन एक प्लेन तो कतई नहीं आया होगा। अब जब मैंने जंगल में प्लेन होने की बात की तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लेन यहाँ क्रैश हो गया होगा, लेकिन इस बोइंग 727 के साथ ऐसा केस नहीं है, बल्कि ये तो किसी का घर है। इस जहाज में ब्रूस कैंपबेल नाम का एक आदमी रहता है। अपनी नौकरी पूरी करने के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट होम जंगल के बीच में एक प्लेन में बनाने का सोचा। पूरे $1,00,000 देकर ये जहाज उनके द्वारा खरीदा गया, जिसके बाद ओरेगन USA के जंगलों में उन्होंने अपना ये घर बनाया। कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस पूरे प्लेन को अकेले ही रेनोवेट किया और आज ये उनका ड्रीम हाउस है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और ब्रूस हर किसी का स्वागत करते हैं। हम सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस दौरान बनाई गई इमारतें आज भी यूनाइटेड किंगडम के जंगलों में बहुत सही हालातों में खड़ी हैं। आज इन इमारतों का कोई काम नहीं है। अब इन इमारतों के आसपास कुछ पिल्स बॉक्स और गन हाउसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ना सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। इन्हें बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने सैनिकों की सुरक्षा करना, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिक तुरंत किसी पिलर के पीछे छुपकर पनाह ले सकें और उनकी जान बच सके। साथ ही बड़े बड़े गन हाउसेज मशीन गन्स रखने के लिए बनाए गए थे। आज के समय में ये निर्माण पूरी तरह से जंगल के बीच लावारिस पड़े हैं और आज इन पर बड़ी बड़ी घास कब्जा कर चुकी है। एक समय पर इन इमारतों में सैनिकों द्वारा पकड़े गए रेफ्यूजी रहा करते थे, लेकिन आज इनमें जंगली जानवर अपना घर बना चुके हैं। समय के साथ साथ ये एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। बेल्जियम के चैटलैंड में बने एक गाड़ियों के कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी कहानियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। इनमें से एक कहानी बहुत मशहूर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चैटलैंड बहुत से अमेरिकी सैनिकों का टेम्परेरी घर हुआ करता था, और वहां मौजूद हर सैनिक अपने लिए एक गाड़ी हमेशा अपने पास रखता था, ताकि समय पड़ने पर वो यहां से भाग सके। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ और जब सभी सैनिकों के वापस घर जाने की बारी आई, तब इन सैनिकों को ये महसूस हुआ कि इन गाड़ियों को अमेरिका तक लेकर जाने का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा इन गाड़ियों की कीमत से बहुत ज्यादा है। इसलिए मजबूरन इन सैनिकों को अपनी गाड़ियां जैसे तैसे हालातों में वहीं छोड़नी पड़ी, और ये माना जाता है कि यहां उस समय गाड़ियों का एक लंबा जाम लग गया था, जो कि आज भी लगा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ियां विश्व युद्ध के बाद से कभी हिली ही नहीं। और ये जाम इस दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला जाम है। लोकल लोग जितना हो सकता था उतना इन गाड़ियों को लूट कर चले गए। आगे इन गाड़ियों के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज ही ऐसी की ऐसी खड़ी हैं।
अब मैं बात करने वाला हूँ जंगल में किसी चीज की नहीं बल्कि पूरे के पूरे जंगल के बारे में, और इस जंगल का नाम है क्रुजिलास, जिसे लोग क्रुकेट फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब आप इस जंगल को पास से देखेंगे तो आपके दिमाग में दो सवाल सबसे पहले आएंगे कि इस जंगल में मौजूद ये पेड़ इस शेप में कैसे हैं और दूसरा इन्हें किसने लगाया। लेकिन सच कहूं तो इन दोनों ही सवालों के जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, जहां 400 से ज्यादा पाइन ट्रीज आपको खड़े हुए दिख जाएंगे, लेकिन ये सभी बहुत अजीब तरीके से नीचे से मुड़े हुए हैं। कमाल की बात यह है कि इन सभी पेड़ों की मुड़ने की डायरेक्शन भी बिल्कुल एक है। लोग ये मानते हैं कि जिसने इन पेड़ों को लगाया होगा उसने जानबूझकर इन पेड़ों के तनों को ऐसे घुमा दिया होगा, लेकिन किसी को ये पेड़ इस तरह से मोड़कर क्या मिल जाएगा, और ये भी लगभग नामुमकिन है कि कोई इस तरह से पेड़ों को जानबूझकर मोड़ सके। वैज्ञानिकों का एक दावा यह है कि जिस समय ये पेड़ लगाए गए होंगे उस समय यहाँ भारी बर्फबारी रही होगी और ये पेड़ उसी में दब गए होंगे और बर्फ के भार से ये पेड़ कुछ इस तरह मुड़ गए। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि पाइन ट्रीज तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में ही उन पर बर्फबारी भी होती है, तो और कहीं के पाइन ट्रीज इस तरह से क्यों नहीं मुड़े। खैर, इस जंगल का रहस्य आज भी पूरी तरह से बरकरार है। क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? क्या आप जंगल के बीच में किसी वेल को ढूंढ सकते हैं? बेशक आपको मेरा ये सवाल बेहद पागलपंती भरा लग रहा होगा, लेकिन अमेज़न के जंगलों में 26 फुट लंबी एक वेल मुझे इस तरह से पड़ी हुई दिखाई दी। ये वेल यहाँ पर फरवरी 2019 में मृत पाई गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी जानवर इस तरह से जंगल के बीच में कैसे पहुंची। आमतौर पर देखा जाता है कि वेल्स कभी भी नदियों में नहीं तैरती, और वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस वेल की मौत समुद्र में ही हो चुकी होगी, जिसके बाद ये अपने आप तैरती हुई अमेज़न नदी में आ गई और उसी नदी ने इसे जंगल में ला फेंका। बदकिस्मती से मौत के समय इस वेल की उम्र सिर्फ 1 साल की रही होगी, और ये माना गया कि जन्म के कुछ समय बाद ही ये अपनी माँ से बिछड़ गई होगी और मौत का शिकार हो गई। एक हॉरर मूवी में आपको कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन एक डरावनी और भूतों से भरी हुई गुड़िया जरूर मिल जाएगी। लेकिन तब क्या होगा जब ये सभी डॉल्स मूवी में ना होकर असलियत में आपको दिखें, वो भी एक जंगल के बीच में? बेशक आपका दिल इन्हें देखकर दहल जाएगा। जी हाँ, मेक्सिको के जंगलों में आपको आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से ये जगह दिखेगी, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। इन सभी डॉल्स को गले के सहारे बांधकर पेड़ों से लटकाया गया है। ये माना जाता है कि ये गुड़िया 60 के दशक से ही यहाँ ऐसे टंगी हुई है, और सिर्फ एक आदमी द्वारा ये काम किया गया था। लोकल लोग बताते हैं कि उस आदमी की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी, और उसी की याद में वो आदमी इस आइलैंड पर अकेला रहने लगा। लेकिन जब वो इस आइलैंड पर आया तो आने के कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि पास ही मौजूद झील में एक छोटी बच्ची की डूबने से मौत हो गई। वो उसे बचाने में असफल रहा, लेकिन उस बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी जो कि उस आदमी को मिली। तब से ही उस आदमी ने अपने आसपास कूड़े कचरे से हर तरह की गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उस लड़की की याद में इन्हें पेड़ों पर टांगना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है, लेकिन लोग यही मानते हैं। साथ ही इन गुड़ियों की वजह से ये जंगल बेहद डरावना भी बन जाता है। अगर आपको आइलैंड ऑफ डॉल्स बहुत डरावना लगा, तो अब जरा स्कॉटलैंड में बने फॉरेस्ट ऑफ एबरफॉयल ट्रोसॉक्स को देखिए। ये आपको सच में दहला कर रख देगा। एक समय पर यह पूरा जंगल भेड़ों को पालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद से यहाँ मौजूद हर फार्म को बंद कर दिया गया, और धीरे धीरे यहाँ घने पेड़ उगते गए। लेकिन इन्हीं पेड़ों के बीच आपको शीशे से बने हुए स्टैचूज भी देखेंगे, जिन्हें रॉब नाम के कलाकार द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ कुल 12 ऐसे स्टैचूज खड़े हैं। साथ ही इनकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि दूर से तो क्या, पास जाने पर भी आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये एक स्टैचू है, और देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भूत यहाँ खड़ा हो। इन्हें लगाने का मकसद लोगों को जागरूक करना था कि जब लोग इन शीशों में अपने आप को देखेंगे तो वो खुद को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। 2.5 लाख लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता है कि इस जंगल में इस तरह के स्टैचूज लगे हुए हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट फ्रेंडली गेमिंग को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।